देश में बढ़ते पेपर लीक के मामलों ने अब सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को यूपी में हार का सामना करना पड़ा, उसका भी मुख्य कारण बढ़ते पेपर लीक के मामले बताए जा रहे हैं। और अब इन सबके बीच योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और सभी परीक्षार्थियों के लिए नए गाइडलाइन और नए आदेश जारी किए गए हैं। यूपी में अब कोई भी परीक्षा हो उसमें अभ्यर्थियों का मिलान AI के इस्तेमाल से ही किया जाएगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के 10 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे और उन सबकी निगरानी CCTV के माध्यम से की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से परीक्षा में नकल हो रही है, पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब कोई भी परीक्षा हो उसके 2 सेट से ज्यादा पेपर प्रिंट कराए जाएंगे और परीक्षा के 5 घंटे पहले ये तय किया जाएगा कि आखिर कौन सा सेट परीक्षा में इस्तेमाल होना है। साथ ही जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी उनको भी 30 मिनट पहले ये पता लगेगा कि आखिर कौन से केंद्र में या कौन से परीक्षा केंद्र में उनकी आज की ये ड्यूटी लगी रहेगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार ने जो भी ये निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, इनके माध्यम से जो बढ़ते पेपर लीक के मामले हैं उसमें नकेल कसी जा सकती है।